हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी गाड़ी अप हिल रोड पर, मतलब जो चढ़ान वाला रास्ता होता है, उस पर अगर आप गाड़ी पार्क करें या फिर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में चढ़ान रोड पर फंस जाए तो आपको गाड़ी उधर से कैसे उठानी है बिना गाड़ी रिवर्स या फिर पीछे आए, तो ये आपको इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। तो मैं बोलना चाहूंगा आपको दोस्तों कि आप पूरा वीडियो देखिए, कहीं भी स्किप ना कीजिए, वरना ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं व्लॉग। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपहिल रोड, मतलब जो चढ़ान वाला रास्ता होता है, उधर आपकी गाड़ी है और आपको गाड़ी उठानी है, तो उसके लिए आपको दोस्तों दो मेथड्स है। पहला मेथड है जो नए जो लोग भाई लोग ड्राइविंग सीखे हैं उनके लिए, और सेकेंड मेथड उनके लिए जो गाड़ी चलाने में परफेक्ट है, जो बहुत मतलब बहुत टाइम से गाड़ी चला रहे हैं और उनको गाड़ी अच्छी तरह से चलानी आती है, उनके लिए दूसरी मेथड है। तो आप दोनों मेथड्स देखिए दोस्तों और कौन सा आपको सही लगे वो करिए। तो बात करते हैं कि गाड़ी जब आप अपहिल रोड पर रखते हो, मतलब चढ़ान वाला रास्ता, तो गाड़ी पीछे क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों जब आपको क्लच आधा उठाना होता है और ब्रेक का पैर निकालकर एक्सलेटर पर डालना पड़ता है, तो ये प्रोपोर्शन अगर गलत हो गया तो दोस्तों गाड़ी पीछे आने लगती है। और जब गाड़ी आपकी पीछे आती है तो आपको पता है क्या होता है, तो गाड़ी पीछे आती है वो डायरेक्ट ऐसे, मतलब ब्रेक का पैर निकाल तो गाड़ी डायरेक्ट नीचे आती है, और हो सकता है कि गाड़ी पीछे से दीवार या फिर और एक गाड़ी है तो खड़ी है तो उसके ऊपर भी गाड़ी टकरा जा सकती है और आपका डैमेज हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इससे बचे दोस्तों, और आप ये वीडियो देखिए और समझे कि आपको क्या करना है। तो पहले मैं आपको जो नए सीखे हैं उनके लिए मेथड बताता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्लच और ब्रेक गाड़ी का पूरा प्रेस करना है, और हैंड ब्रेक जो होता है गाड़ी का वो आपको ऊपर रखना है। हैंड ब्रेक ऊपर रखने के बाद क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपका गियर ऑलवेज आपको फर्स्ट में रखना है, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको क्लच और ब्रेक जो दोनों प्रेस किए होते हैं वो आपको हाफ क्लच करके ब्रेक का पैर एक्सलेटर पर निकाल के गाड़ी आगे ले जाने, तो और हैंड ब्रेक नीचे करना है। तो आपको क्या करना है मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ठीक है। ये है क्लच, ये है ब्रेक और ये है एक्सलेटर, ठीक है। देखिए आप क्या करना है मुझे, पहले मैंने क्लच और ब्रेक दोनों दबा दिया, गाड़ी स्टार्ट की मैंने, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में डाल दी, और ये आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक ऊपर खींचा हुआ है, तो आपको हैंड ब्रेक ऊपर खींचना है। तो इसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, देखिए क्लच का पैर जो लेफ्ट पैर है वो आधा क्लच कर रहा हूँ, हाफ क्लच के बाद आपको हाफ क्लच वैसे ही रख के ब्रेक का पैर है वो एक्सलेटर पर डालना है, और एक्सलेटर रेस करने के बाद गाड़ी का हैंड ब्रेक नीचे करना है, और क्लच छोड़ने के बाद गाड़ी देखिए दोस्तों आगे जाती है। अब देखिए गाड़ी किस प्रकार आगे जाती है, देखिए हैंड ब्रेक निकालने के बाद गाड़ी आगे ही गई। अब बात करते हैं दोस्तों ये मेथड जो परफेक्ट ड्राइवर लोग हैं उनके लिए दोस्तों, आपको विदाउट हैंड ब्रेक कैसे गाड़ी उठानी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस करना है, गाड़ी आपकी स्टार्ट करनी है, गाड़ी इस मेथड में भी आपको गाड़ी फर्स्ट गियर में डालनी है, और इस मेथड में आपको दोस्तों हैंड ब्रेक नीचे करना है। वो न्यू ड्राइवर्स है उनके लिए हैंड ब्रेक ऊपर करके फिर नीचे किया था, इस मेथड में आपको हैंड ब्रेक नीचे ही रखना है, और हाफ क्लच करने के बाद आपको ब्रेक का पैर निकालकर एक्सलेटर पर रेस देना है और क्लच छोड़ना है, तो गाड़ी आगे जाएगी। आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक नीचे किया, क्लच हाफ करके एक्सलेटर दबा दिया। तो प्रैक्टिकल में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये रहा, फिर से मैं बता देता हूँ, ये रहा क्लच, ये रहा ब्रेक और ये रहा गाड़ी का एक्सलेटर। तो किस प्रकार होगा ये, आपको क्लच प्रेस करना है, ब्रेक प्रेस करना है, आपका गाड़ी का इंजन आपको इग्निशन में स्टार्ट करना है, हैंड ब्रेक इस बार नीचे करना है, गाड़ी को फर्स्ट में डालना है, ठीक है। देखिए मैं फर्स्ट में डालो, तो अभी गाड़ी का फर्स्ट में डाल दिया है, और आपको लेफ्ट पैर जो है हाफ क्लच करने के बाद क्लच वैसा ही छोड़ना है, और ब्रेक का जो पूरा पैर है वो निकाल के आपको एक्सलेशन देना है। देखिए एक्सलेटर पर पैर दबाने के बाद आपको क्लच छोड़ना है, और जो हैंड ब्रेक नीचे रहेगा तो गाड़ी आगे जाएगी। किस प्रकार जाएगी आप देखिए दोस्तों, देखिए अभी गाड़ी आगे गई, ठीक है। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखिए क्लच का पैर छोड़ के मैंने जब एक्सलेटर दिया और क्लच छोड़ा, हैंड ब्रेक तो नीचे है, तो गाड़ी अपने आप आगे गई। तो ये था व्लॉग दोस्तों, जो लोग नए गाड़ी सीखे हैं उनके लिए या फिर जो चढ़ाते हैं उनके लिए भी, जब आप अपनी गाड़ी अपहिल रोड पर, मतलब जो चढ़ान वाला रास्ता होता है, उधर आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाए या फिर गाड़ी पार्क करे और गाड़ी आपको बिना पीछे आए आपको कैसे उठानी है इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल ऋतुराज 97 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर हर रोज कार रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर व्लॉग्स बनाता हूँ, और जो मेरे ट्रेवल व्लॉग्स होते हैं वो भी मैं इस चैनल पर ऐड करता हूँ, तो आप मेरे बाकी के व्लॉग्स भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून दोस्तों।